श्याम बिहारी का इलाका है, पीछे चूना लगाकर अंदर का सारा माल हलक से बाहर निकाल देगा। वो बकरी बेचने आया, खामोशी से बकरी बेच और निकल यहाँ से। बेड़ा घर खोज कमीने का, मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा इसने। यहाँ कारोबारियों का आना जाना लगा रहता है, उसे मैंने ताकीद भी की थी कि 6 बजे के बाद यहाँ मत जाना। शाम को सूप पीने के बहाने ये मेरी दुकान पर आया और इसने मेरी बेटी की आबरू लूट ली मालिक। कौन है रे ये? लातूर से आया है मालिक, महीने में एक मर्तबा बकरों का खाल ले जाने के लिए आते हैं। ये तो मुलाजिम है, इसके साथ का ड्राइवर यहाँ से फरार हो गया। तू लातूर से आया है? हाँ, लड़की और बकरी में फर्क नजर नहीं आया, ठिकाने लगा दो इसे। लेकिन खबर बाहर ना जाने पाए, घर की इज्जत पर हाथ डाला है। पैसे देता हूँ, अपनी लड़की की शादी कहीं और करवा दो, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करवा दो। ये मुमकिन नहीं है मालिक, ये कमीना गंदी बीमारी से घिरा हुआ है, इसकी बीमारी मेरी बेटी को लग जाएगी मालिक। कौन सी बीमारी है इसे? वो क्या है ना मालिक, इसे एड्स की बीमारी है। अबे और कमीने, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही मुआसरे में गंदगी फैल रही है, तुम्हारी तो बोटी बोटी कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं। ये रख लो भाई, मुझे वाकई बेहद अफसोस है, तुम हिम्मत से काम लो। ऊपर वाला है ना, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। बाहर से हम सब की जिंदगी खुशबूदार नजर आती है, लेकिन अंदर बदबू से लबरेज होती है। इसे अगर बाहर छोड़ दिया तो ये पूरे शहर में गंदगी फैलाएगा। मुनीम जी। जी मालिक। उसके लाश को ठिकाने लगवा कर वहां पर भैंसों का चारा डलवा। ठीक है मालिक, मैं देख लूंगा। हाँ, बेजारा जी अब तक नहीं आए क्या? आकर चले भी गए मालिक, बेटी की सालगिरह है इसलिए सुबह आकर गोश्त लेकर चले गए। वसूली करने के बाद वो सीधे घर ही पहुंचेंगे। ये कैसे कीमा काट रहा है तू? हट, दिखाता हूँ। अरे मालिक, रहने दीजिए ना। बगैर पानी डाले कीमा काट रहा है तू? अरे पहले खंजर पकड़ना तो सीख ले। हर काम का अपना एक कायदा होता है, नालायक कहीं का। चले मालिक। हाँ चलो। शुक्रिया मालिक। ये ले, पहले काम करना सीख ले तू। मुनीम जी। जी मालिक। अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। ओहो, कोई तो जल्दी से इस मेमने का नाम रखो। आप तो बताइए पापा। मॉडर्न कैसा रहेगा? बहुत हूँ। ये तो बताओ, ये बकरा है या बकरी? लो कर लो बात, ऐसे कैसे उसका नाम रखने चली हो? अरे बकरा है या बकरी, पहले इस बात की तो इल्म कर लो। आप भी बता दी। पहले मेमने का नाम रखो ना। रश्मि बेटा चलो, इसका नाम मैं रख देती हूँ, राजकुमार। अरे हटो, ये कोई इंसान की औलाद थोड़ी ना है जो इसका नाम रख दिया राजकुमार। आप लोगों से बोल के कोई फायदा नहीं है। बुआ सोनिया, बुआ रामू काका, आपकी तरह मैंने भी खाना पकाना सीख लिया है। मालिक और दादी को तेज मसाला खाने की आदत हो गई है, पान खा खा के मुंह खराब हो गया, तो अब तेज मसाला भी हल्का लगता है। बुआ, सोनिया बुआ, जल्दी क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चीख रही है? क्या कर रही है, जल्दी आइए ना। क्या हुआ? देखिए ना बुआ, इस मेमने का कोई नाम ही नहीं रख पा रहा है, अब आप ही कोई नाम बताइए ना। माइकल जैक्सन। अरे वाह वाह, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। वाह क्या नाम है, आखिर बहन किसकी है? ये सब कॉलेज की तालीम का असर है। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, हो गया तेरे मेमने का नाम। किस बात पे हंसी मजाक हो रही है? आजा मेरी शहजादी। मालूम है बाबूजी, ये लो। आज रश्मि की सालगिरह पर उसके पापा ने उसे एक मेमना तोहफे में दिया है, और सोनिया ने जो उसका नाम रखा है वो दादी माँ की जुबान पर चढ़ ही नहीं रहा है। क्यों दामाद जी? बाबूजी, सालगिरह पे तोहफा देने के लिए मेमना ही मिला था। जहाँ बकरे का काम होगा वही देगा ना वो, और क्या देगा आखिर। दामाद जी, जी सब लोगों को उनका हिस्सा दे दिया? पुलिस वालों की जानिब से कोई परेशानी नहीं है, बस कटआउट का कनेक्शन ही कुछ गलत हो गया है। हाँ, एमपी बन गया है ना,
क्या कह रहा था वो? हम बकरे की खाल का जो कारोबार करते हैं उसमें हिस्सेदारी या कारोबार को अपने हिसाब से करने की बात कर रहा है। पैसे लेने से इनकार कर दिया उसने। ऐसी बात है? वो ऐसा ही इंसान है बाबूजी, लेकिन हमें छोड़कर जाएगा कहाँ? दामाद जी, जब तक वो हमसे पैसे ले रहा है तब तक दोस्त बना रहेगा, पैसे बंद तो दोस्ती बंद। ये कटआउट अब हमें बार बार परेशान करता रहेगा। बैठ जाओ, ठीक से बैठो। क्यों दादी माँ, कुणाल नहीं नजर आ रहा? वो एक दीवाना लड़का है। शहर में उसका बाप और तेरा भाई लोगों में खौफ पैदा करके काम करवाते हैं, और वो शहर से बाहर जाकर काम में इजाफा करवा के आता है। दिल्ली का रामजी लाल, हैदराबाद का शाहिद, नासिक का पठान, और बिहार का लखन। ये सब मेरी इजाजत लिए बगैर अपना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जो बढ़ाता है कुणाल उसका काम तमाम कर देता है। जीजा जी, उस कटआउट ने बेईमानी करके इस इलाके में जो जमीन खरीदी थी उसने वहाँ पर सबकी नजरें बचाकर कच्ची शराब की भट्टी खोल दी थी। आज मैं उसी के उद्घाटन समारोह में आया हुआ हूँ। फीता काटने की आवाज सुनेंगे? See friends, this is local liquor. This is called adrak, that is ginger. This color is abhi very brown. Mixing water, see very careful. See brown change white. Wow. This is number one item. Yeah, drink.
पियो पियो अकल के अंधो। It's fantastic. Yeah, yeah, yeah. Now your pit is firing. It is only one relief. Elkut, हाँ बोल पकिया, जल्दी ना, दे, ये ले। It's very nice. One more peg. No. This is very kicking. Only 3 ohms. You take 6 ohms. It's very dangerous. Danger, lose motion. Okay. How much? $100 only. Oh, what? $100? Yeah. Very costly. Pakya, mere bhi paise dilwa dena. Eh, ruk na, baat kar raha hu na main se. Eh, dekh to kaun aaya darwaze pe? थैंक यू। अपना कुनाल है पकिया? अरे तो खोल ना रे। आजा भाई। ओके बाय। ओके फिरगी भाई। ए पकिया, मेरे पैसे लिए या नहीं? क्यों बे बेवड़े, बोरो के साथ मिलकर कोई फिल्म बना रहा था क्या? चल खोल बे। अरे छोड़ ना यार उनको, वो तो अकल के अंधे हैं। चल शुरू करना यार। साल में एक मर्तबा तो भगवान बाहर निकलते हैं और हम तो पूरे साल भगवान के पास ही रहते हैं। मेरे भाई, दराज में से डोप निकालना। डोप? अरे निकालना, आज जरा उसके मजे लेते हैं। रहने देना भाई, निकाल के लाना, मुझसे वाकिफ है ना, नशा भी मेरे सामने नशा भूल जाता है। ठीक है, ए बनाना। रुक ना, पहले डोप तो आ जाने दे। मालूम होता है आज इन सबकी शामत आ गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। जी मालिक। अरे पैकेट थोड़े और बड़े बड़े बनाओ। क्या हुआ इस वक्त यहाँ? एक सामान देने के लिए आया था। अरे ये तमंचा मेरे किस काम का? क्यों सेठ, अभी तक तमंचों से खेलते फिर रहे हो? भाई साहब, इसे ऐसा वैसा तमंचा मत समझिए, इसका निशाना अचूक है, विलायती माल है ये। इसे आप अपनी हिफाजत के लिए नहीं, मेरी जानिब से तोहफा समझ के रख लीजिए। बाबूजी, कटआउट बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। बैठने दो। एक बात सुन लो भाई जी, तुम्हारे लड़के ने जो कुछ किया वो वाजिब नहीं है। तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। कौन किसके रास्ते के दरमियान आ रहा है भाई? तुम्हारा काम तो आवाम की खिदमत करना है ना, इसलिए तो लोगों ने तुम्हें जिताया है। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे लोगों ने मुझे वोट दिया, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने भी इस ओहदे के लिए कितना खर्च किया है इस बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अपने आप को इस मुकाम पर लाने के लिए मैंने कितना उधार लिया है ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे हर कारोबार में तुम्हारा बेटा टांग अड़ाता है, इस बात से भी तुम इनकार नहीं कर सकते। क्यों, इन सारी बातों का जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। hey, तमीज से पेश आओ। शांति से काम लीजिए। कटआउट, तुम्हारे जैसे दगाबाज सियासतदानों की वजह से ही हम जैसे लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। अगर हम ये कारोबार नहीं कर रहे होते तो तुम और पुलिस वाले घर में बैठे रहते। hey. तो आज यहाँ उनकी तरफदारी करने के लिए आया है, कुत्तों को हड्डी दिखाकर उनको खरीदना चाहता है, हमारे बने बनाए कारोबार में अपनी टांग घुसेड़ कर खुद के लिए महल खड़ा करना चाहता है। एक बात समझ ले तू, छोटा बड़ा मिलाकर हम लोग पूरे 600 हैं, और इसी एतबार से अपने पीछे 6000 लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकता हूँ। तू क्या समझता है हम सारा काम सारा माल अकेले पका कर खाते हैं? हर किसी को बराबर का हिस्सा हासिल होता है, और साथ में तुझे भी दिया जाता है। साथ रहा तो आगे भी हासिल होता रहेगा, और अगर हमसे अलग हुआ तो काट डालूंगा। कौन किसको काट डालेगा वो तो वक्त ही बताएगा। कट आउट, उंगली दिखाकर बात कर रहा है, उंगली काट डालूंगा। दामाजी, दामाजी, छोड़िए इसे। देख कट आउट, तेरा बाप अविनाश मेरे यहाँ काम करते करते सुकून की जिंदगी बसर कर ऊपर चला गया, और तू उसका बेटा है इसलिए मैं तुझसे इतनी देर से मुखातिब हूँ। इस पूरे शहर में मैं ये कारोबार अपने अलावा किसी और को नहीं करने दूंगा। अब तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर देता हूँ। मुनीम जी, बकवास मत कर, तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरे नुकसान की भरपाई खुद कर दूंगा मैं। हाँ।
क्या बात है भाई साहब, बुढ़ी हड्डियों में नया उबाल नजर आ रहा है। आप कहें तो काम तमाम कर दो। अरे जाने दो, नुकसान हुआ है ना, इसलिए शोर मचा रहा है। सुबह से सोनिया इंतजार करके थक गई थी, इसलिए खाना खाकर अपने घर चली गई। ठीक है, मैं उससे कल सुबह मिल लूंगा। पेट भर के तूने खाया नहीं, थोड़ा सा ये खा ले। बहुत ही होशियार हो तुम दादी माँ, बूंदी खिलाकर मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। कुणाल। जी पिताजी। इतनी देर कैसे हो गई? या तो जल्दी लौटा करो, और अगर देर हो जाए ना तो किसी के घर पर रुक जाया करो। मालूम है ना तुम्हारा देर से लौटना मुझे हरगिज पसंद नहीं, आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ। अब जाओ और जाकर सो जाओ। जी पिताजी। बड़ा आया मेरे पोते को डांटने वाला, जब ये तेरी उम्र का था ना तो इसने क्या क्या गुल खिलाया है मुझे सब पता है। तुम्हारी पोटली में बहुत सारे किस्से छुपे हुए हैं। क्या है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया? ठीक है चलो बताओ, वो लड़का कहाँ से आता है? मालूम नहीं कुणाल, वो मेरे पीछे एक महीने से पड़ा हुआ है। पहले सोचा कि कॉलेज में जाके शिकायत कर दूं, फिर लगा कहीं कॉलेज वाले घर पर इत्तला ना कर दें। उसके बाद तो उसने हद ही कर दी, दो रोज पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ पकड़ लिया तुम्हारा? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? दिखाओ जरा मुझे, मैं भी तो देखूं कौन है वो। ए खुशबू, इधर आओ। कुणाल, श्याम बिहारी चाचा का नाम सुनते ही मेरे प्रिंसिपल को दस्त आने लगते हैं, तो फिर मेरा हाथ पकड़ने की हिमाकत कौन करेगा? सोचा तुम्हारे पीछे बैठूंगी तो तुम बार बार ब्रेक लगाओगे, इसी बहाने मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगी। बाकी लोग ये मौका पाने के लिए तरसते रहते हैं, और एक तुम हो कि मौका मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाते हो। यह मेरी दोस्त खुशबू, इसको एक लड़का काफी रोज से परेशान कर रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने छिपकली को लिबास पहना दिया हो। कौन है वो लड़का? अपने पीछे देखिए भैया, चाय की दुकान पर चश्मा लगा कर खड़ा है और सिगरेट पी रहा है, वही लड़का है। ओए! अबे इधर आ। मैं? हाँ। नमस्ते भाई। इस लड़की को तू हमेशा परेशान करता रहता है। भाई पहले मेरी बात तो सुन लो ना, आप जैसा सोच रहे हैं दरअसल वैसा नहीं है, एकदम सच्ची मोहब्बत है मेरी। इस लड़की से मैं पिछले 5 साल से मोहब्बत करता आ रहा हूँ, इसने एक मर्तबा भी जवाब नहीं दिया, इसलिए उस रोज हाथ पकड़ लिया। कौन से कॉलेज से? वही अपने आर्ट्स कॉलेज से। वो तो बड़ा बढ़िया कॉलेज है यार, वाकई तुझे सच्ची मोहब्बत है इससे? हाँ भाई, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं यकीनन मर जाऊंगा। तो जारी रख अपनी कोशिश। शुक्रिया भाई। अरे रुको, जाने मन। कुणाल ये तुमने क्या किया? अरे छोड़ो ना, जैसी तुम्हारी दोस्त की शक्ल है वैसा ही उसे मिल गया, बेचारा पिछले 5 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है। कॉलेज की लव स्टोरी में मैं विलन नहीं बनने वाला, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी मैंने ये सब नहीं किया। अरे रख लो ना, एक मर्तबा पढ़ के देखो। अरे ले लो, तुम्हें यही फैसला करने के लिए बुलाया था मैंने। चलो जाओ यहाँ से, दूसरों की पंचायतगिरी करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, जाओ। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बेटा बेटा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सोनिया का प्रोफेसर हूँ, मैंने आपके बारे में और आपके बाबूजी के बारे में बहुत सुना है। एक जरूरी काम से मैं आपके घर पर आपसे मिलना चाहता था। ठीक है सर, बताइए क्या परेशानी है। किसी को इल्म हुआ तो वो मुझ पर थूकेगा। ख्वाहिश थी कि मेरा अपना एक घर हो, जो कुछ था वो लगा कर मैंने वो घर बनाया। घर को जल्दी बनाने के फिराक में मैंने बाजार से 10% पर 12 लाख रुपए उठाए। ब्याज देने में कोई परेशानी नहीं है बेटा, लेकिन वो दूसरी तारीख से ही मुझे परेशान करने के लिए पहुंच जाता है, और वो जब भी आता है तो मेरी बीवी को घर में देखकर उसके साथ जलील हरकत करता है। क्या कह रहे हैं सर, वो आपके घर में आकर आपकी इज्जत पर हाथ डाल रहा है और आप उसे मारने की बजाय? मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, नेता के गुंडे के खिलाफ हमारी कौन मदद करेगा? पुलिस के पास अगर गया तो मालूम ही है क्या होगा। आसपास के लोगों को कुछ भी इल्म हो उससे पहले ही तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। कल सुबह ठीक 10 बजे आप उसे अग्रीमेंट पेपर लेकर अपने घर आने के लिए कहिए। ठीक है बेटा। क्या प्रोफेसर, ब्याज अदा करने के पैसे तो थे नहीं तेरे पास, और अब तूने असल अदा करने को बुला लिया? हाँ, अपनी बीवी को तूने जिस्म फरोशी में लगा दिया है क्या? देखो तुम। देखने नहीं दिखाने आया हूँ, असल के साथ साथ ब्याज भी अदा करना पड़ेगा, नहीं तो ब्याज के लिए तुझे अलग से एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा प्रोफेसर। ओए,
तू उस कटआउट का साला शंभू है ना बे? तेरा जीजा बड़ों को काटता है और तू छोटों को काटता है। तो इस मामले में मत पड़, खामोश रह तू। इस मामले से तेरा कोई वास्ता नहीं है, बेवजह इस मामले में टांग ना अड़ा। कौन किसके मामले में टांग अड़ा रहा है इल्म हो जाएगा। इसी एग्रीमेंट के बलबूते तू इतना उछल रहा है ना, दूसरों की बीवी पर नजर डालने के लिए 12 लाख रुपए का बिल ये ले। इस कमीने की वजह से अब आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी सर। तूने मेरा खून बहाया है। ज़बान बंद रख। अब देख मैं तुझे कैसे शहर की सैर करवाता हूँ। जरा देखो इन्हें, पूरे दिन बैठकर ख्यालों में खोए रहते हैं। और आप कितने होशियार हो, अगर आपके पास इनकी तरह एमपी का ओहदा होता तब तो आप पूरे शहर को अपने जेब में लेकर घूमते। अरे रहने दीजिए मैडम जी, उन बकरा काटने वालों से आखिर जवान कौन लड़ाएगा। हाँ जीजा जी, ये देखिए भाई क्या आज हो गया। किसने मारा तुम्हें? ये सब चांद प्यारी के लड़के कुणाल ने किया है। तुमने मेरे भाई पे हाथ उठा दिया। अरे तो उसे लड़ने के लिए गया ही क्यों था? मैंने कुछ भी नहीं किया जीजा जी, मैं तो उस प्रोफेसर के पास ब्याज के पैसे लेने के लिए गया था। एक मरतबा उसकी बेबी को जरा सा छेड़ दिया था तो ये बात उस प्रोफेसर ने जाकर कुणाल को बता दी थी जीजा जी, उसने मेरा ये आश्रय कर दिया। देखो कैसे मारा मेरे भाई को, कलो तुम्हें मारेगा मुझे मारेगा, तुम यही बैठ के तमाशा देखते रहना। मेरे सामने जबान मत चला। रुक जाइए, क्या मैडम कुछ भी बोलती रहती। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए, कीचड़ के अंदर आप अपना पैर क्यों रखने जाएंगे? ये आपके कपड़े को भी गंदा कर सकता है, इसीलिए आप ये काम एसीपी को करने दीजिए। बाबूजी, आज बड़े साहब छोटे साहब दोनों साथ में आए हैं। नमस्कार भाई साहब। क्या बात है नरसिंह, आज इधर कैसे आना हुआ? तुम्हारे हिस्से के पैसे तो मिल गए ना? अरे उसके बारे में बात करने नहीं आया। वो आपका बेटा कुणाल। मालूम है मुझे, बैठो। दरअसल बात यह है कि आजकल कटआउट का वक्त खराब चल रहा है। मेरा बेटा कभी किसी को बेवजह हाथ नहीं लगा सकता। कटआउट के साले ने ही ऐसी नीच हरकत की थी। मेरे बेटे ने कागजात लेने के लिए उसे घर बुलाया और 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर यही वाकया हमारे इलाके में हुआ होता ना तो क्या होता दामाद जी? बकरों के साथ उसे भी काट दिया होता। लीजिए सर। नहीं, आप लेंगे? कुछ भी हो, गणेश एक एमपी है, ये उसकी इज्जत का सवाल है। वो पहले से आपके बेटे के ऊपर नाराज है, अब उसके साले को कुणाल ने पीटा है, बस इसी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं अपना सिर कलम करके तुम्हें मेरी बात तो सुनिए। सुनो एएसपी, अगर मेरा बेटा कोई गलत काम करेगा तो मैं खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब जाओ, बोल दो कटआउट को जो कुछ मैंने तुम्हें कहा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, अब समय बदल रहा है। जब गणेश और आप एक साथ थे तब हमें कोई एतराज नहीं था, पर अब आप दोनों के दरमियान कुछ होता है तो हमें गणेश की ही हिमायत करनी पड़ेगी, और ऐसे में हमें आपके बेटे को तफ्तीश के लिए ले जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे ले जाओगे? हाथ लगाकर देखो, हाथ काट डालूंगा। भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम मुझे उंगली दिखा रहा है? एक बात तो सुन ले, मेरे सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत मत करना। आवाज ऊंची करके बात करने वालों को मैं हमेशा के लिए नीचे दफन कर देता हूँ। अपनी परवाह न करते हुए मेरे एक इशारे पर मरने मारने को तैयार है मेरे लोग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हो तो करके देख लो। ये वो समंदर है जिसका इकलौता बादशाह मैं हूँ। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मालिक मैंने आपसे पूछे बगैर ही अपने भाई का सिर कलम कर दिया। ये भी अकल का दुश्मन है, अब इसको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? आज तक श्याम बिहारी के घर से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। केस चीख रहे थे ना, ये लो एक केस खुद चलकर तुम्हारे पास पहुंच गया है। ए, मुझे हाथ लगाया तो हाथ काट डालूंगा। अबे वो पगले, तू गलत काम करके आया है ना, तो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। ठीक है मालिक। ए, चल 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 चल, इसकी बॉडी कहाँ है बता, पहले तू अंदर बैठ। मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनिए जनाब, उससे अलग होने के बाद उसके पास बार बार जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा जनाब। अब तक तो हम लोग उससे पैसे लेते रहे इसलिए उसकी गुलामी करते रहे, ये बात तो एकदम सच है, पर अब पहले वाली बात नहीं रही एमपी साहब, और उसकी भी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं तो कहूँगा उससे फासला रखना ही बेहतर होगा। कुछ दिनों के लिए अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। अब इजाजत दीजिए। आ,
अरे ओहो देखो जरा इन्हें, पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं, सबको खौफ दिलाते रहते हैं, लेकिन एक मुर्गी नहीं पकड़ पा रहे हैं। कब ये मुर्गा पकड़ेंगे और कब मैं बिरयानी खाऊंगी। दादी माँ, भाभी ने आज मछली पकाई है, इसलिए मैं यहाँ देने चली आई। दादी माँ, बढ़िया काम मिला है आज इसे, इसे पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है रामू काका। हाँ बेटी, आप हटिए, आप जाकर बावर्ची खाने में इसके लिए बढ़िया सा मसाला तैयार कीजिए। अब इसे मैं पकड़ती हूँ। ठीक है, पकड़ो पकड़ो। कई रोज से ये मुर्गा बचता आ रहा है, आज इसे पकड़ कर हलाल कर ही देती हूँ। दादी माँ देखते रहिए, आज इसे ये पकड़ता है या मैं। आजा आजा आजा, देखते, मैंने भी कॉलेज में छुट्टियां करके बहुत सारी मुर्गियां पकड़ी हैं। आजा आजा आजा, वो दोनों नहीं पकड़ पाए तो ये दोनों मिलकर क्या पकड़ेंगे। मैं भी पकड़ लेती हूं, इसे ही खा लेती हूं। अरे अरे पक 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 रुक 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 रुक। अरे पक 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 पक। अरे क्या जीजा जी, सुबह सुबह ये ताड़ी पिला रहे हो, कहीं इसकी वजह से पेट खराब ना हो जाए। साले साहब, ताजा ताड़ी पीने का मजा ही कुछ और है। एक हफ्ते तक लगातार इसे पियो, फिर देखना तुम इसका कमाल। जिस्म के अंदर जितने भी कीड़े मौजूद हैं सब बाहर आ जाएंगे, सोचो मत। पियो साले साहब। अरे चाचा, इसको थोड़ा सा और ताड़ी पिलाओ। क्या जीजा जी, शर्मा क्यों रहे हो, पियो साले साहब। साले साहब, मालूम होता है ये हमारा मजा खराब करने आ रहे हैं। आने दीजिए जीजा जी, वैसे भी आज कसरत नहीं की है मैंने। खानदान का नामो निशान नहीं मिटाया तो मैं भी अपने असली बाप की औलाद नहीं। चल गाड़ी निकाल, जल्दी चल। अबे वो आ रहा, जल्दी चल। अबे क्या कर रहा है, जल्दी भगा। ये इसी लायक था, आज तुम पास हो गए कुणाल। अरे ये क्या हो गया, मेरे भाई को मार डाला उसने, मार डाला। अरे भगवान, क्या बिगाड़ा था इसने, कैसे मार डाला। ये कत्ल श्याम बिहारी के बेटे कुणाल ने किया है, और उस वक्त उसके साथ उसका दामाद भी था, लेकिन उन लोगों ने झूठ मूठ का दो लोगों को पुलिस के हवाले करवा दिया है। साबित कर दिया तू श्याम बिहारी की औलाद है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है, लेकिन आगे होशियार रहना होगा। होशियार तो उसे रहना होगा पिताजी, बगैर सोचे समझे लड़ने चले आए थे, और वो भी मुझसे। अब छोड़िए ना बाबूजी, उसने हरकत ही वैसी की थी, इसीलिए इसे गुस्सा आ गया। कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर लेकर दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जनाब। बेवकूफ, मारा किसी और ने, गिरफ्तार किसी और को किया है। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसे मैंने अपने औलाद की तरह पाला था। उस बकरे के कारोबारी को जवाब देना होगा। एक बात सुन ले एसीपी, अगर मैं एमपी के ओहदे पर नहीं होता तो अब तक मैं उसके पूरे खानदान को कच्चा चबा जाता। खामोश बैठा हूँ ताकि पार्टी का नाम खराब ना हो। आप ये जो गुस्सा मेरे सामने दिखा रहे हैं, इसका इस्तेमाल एक्शन लेने में कीजिए। सीएम साहब को सारी जानकारी जल्द से जल्द फैक्स कर दीजिए। अगर मुझे फोन पे भी हुक्म मिल जाए तो भी मैं फौरन एक्शन ले लूंगा।
आप एक मर्तबा सीएम साहब से बात कर लीजिए। हाँ, बात करता हूँ। अपने साहब का दूसरी जगह तबादला हो गया है, अब उनकी जगह एक लेडी इंस्पेक्टर आ रही हैं। पिछला इंस्पेक्टर एक आदमी होकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आखिर ये लेडी इंस्पेक्टर उनका क्या बिगाड़ेगी? वेलकम मैडम, आप तो कल ही ज्वाइन करने वाली थी ना? हाँ, जरा नए घर में कुछ सामान अरेंज करना था। सुना आप पुलिस क्वार्टर्स में नहीं रहती? ठीक सुना आपने, मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती है अपना घर लेती हूँ, सरकारी क्वार्टर्स में नहीं रहती। ये हेड कांस्टेबल राजशेखर, ये है अमल राज, ये वासंती है और ये है कविता। ओके मैम, मैंने फाइल्स तैयार करके मेज पर रख दी है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैम। शुक्रिया, चलता हूँ। जी सर। इसका क्या मामला है? देसी बम तैयार करता है मैडम, हम इसे पकड़ने गए तो हमारे ऊपर ही इसने बम फेंक दिया, हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए। क्यों बे, पुलिस वालों पर ही बम फेंकता है? हाँ, किसके दम पर उछलता है तू? ऐसा नहीं है मैडम, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, फटता है या नहीं ये देखने के लिए रखा था तो वो फट गया। ओ, अरे ये क्या किया मैडम, देखना था कि आवाज निकलती है कि नहीं मुंह से। निकलती है। कैरोलिन थॉमस नाम लिखा हुआ है, ये थॉमस कौन है? I am Thomas, father of Caroline Thomas, inspector of police. Welcome. Thank you. हम लोग कल ही नासिक से तबादला लेकर यहाँ आए हैं। इससे पहले हम लोग नासिक के चर्च में मेंबर हुआ करते थे और अब इस चर्च का मेंबर बनना चाहते हैं। सेबेस्टियन, फादर, तुम अभी इनसे इनका पता ले लो जी। और आप नासिक चर्च से एक लेटर लाकर दे दीजिएगा। वो लेकर आया हूँ फादर। वेरी गुड, ये हो गया। यहाँ पर तू ही मेरा अजीज है। चीयर्स। आपके नाम से पूरा शहर डरता है भाई। ए, जुबान बंद रख और खामोशी से काम कर। वो तो कर ही रहा हूँ भाई। ए पकिया, कई रोज से अपने पेट में ऑयल नहीं गया यार। जबान बन रख, मेरा भी पेट सूखा जा रहा है, कई रोज हो गए, खामोशी से अपना काम कर तू। ये भी भाई बन रहा है। ए पगिया भाई। हाँ आया। कितनी जगह तलाशा तुझे, देख नया टूरिस्ट आया, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया। वेलकम टू दिस सिटी, आई एम पकिया। हाय। ऑल फॉरेनर्स को मैं ही घुमाता हूँ इस सिटी में। वेर आर यू फ्रॉम? रशिया। रशिया, व्हाट इज योर नेम? उल्ला। अच्छा हुआ उल्लू नहीं बताया, नहीं तो बने बनाए उल्लू को उल्लू बनाना मुश्किल हो जाता। चलो एक महीने के राशन पानी का इंतजाम तो हो गया। What? No, यू गो टेक रेस्ट, आई कम इवनिंग। ए ले जा रहे इसको, वहाँ टू स्टार में मेरा नाम लेके कमरा बुक करवा दे। ठीक है, और अगर वहाँ नहीं मिले तो फिर गेस्ट हाउस में ठहरा देना। ये सोच रहा हूँ कि कुछ रोज के लिए कहीं घूम आऊँ, शिमला मसूरी की सैर करके आ जाऊँ। एक हफ्ते तक तू नहीं दिखेगा ना तो लोग तेरे यहाँ समाधि बना के खड़ी कर देंगे। हाँ मेरे भाई, ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, एक रोज नहीं दिखा तो मालूम है वो लोग कितने परेशान हो जाएंगे। जो भी गाड़ियाँ खड़ी है उन्हें साइड में लगा लीजिए, कोई भी गाड़ी सड़क पर खड़ी नहीं रहेगी। हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ। मेरे भाई, ये इस इलाके की नई पुलिस इंस्पेक्टर मालूम हो रही है। यार लड़की हो तो बस ऐसी हो, देखते ही दिमाग सुन हो जाए। माशाल्लाह क्या लग रही है यार। आहत, यार मुझे तो जैकी चैन की बहन से कम नहीं लग रही है ये लड़की। अरे एक मिनट रुकना जरा। ए कुनाल, सुनो कुनाल। अरे सॉरी मैडम। क्या हुआ मैडम? अरे ये यहाँ क्या करने आई है यार? देख कर नहीं चल सकती I'm क्या? सॉरी, किस बात की इतनी जल्दी? मैडम ये आपसे मेरे पास आने की जल्दी में टकरा गई है। कैरोलिन थॉमस। मैडम
यही है हमारा कुणाल भाई, ये श्याम बिहारी जी का बेटा है। जाकर रोड क्लियर करवाओ। ए, रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी है? चल साइड कर। इस तरह क्या घूर रहा है? निकल ले, नहीं तो उधेड़ के रख दूंगी। क्या कहा? तुम उधेड़ दोगी? किसे? सुई से की हुई सिलाई को? ओए अकल की अंधी, तू घर जाने की बजाय यहाँ क्या करने आई है? हाँ, सुपर बाजार से कुछ किताबें खरीदने गई थी, तुम्हें देखा तो यहाँ पर उतर गई। अपनी बाइक पर घर ले चलो ना। गाय की तरह होती तो रोक लेता, लेकिन तुम तो बकरी की तरह पूंछ हिलाई जा रही हो। चलो अब निकलो यहाँ से। कुणाल भाई, इंस्पेक्टर मैडम आपको बुला रही हैं। क्या दोस्त, ये तुम्हें क्यों बुला रही है? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। बच्ची है यार, देख कैसे पढ़ा रहा हूँ इसे। मैडम, राजशेखर दोनों को जीप के अंदर डालो। मैडम, मालूम है जो कहा है वो करो। अब हाँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। तुम लोग शांत हो जाओ भाई। ऊपर बात पहुंच गई तो मेरी खैर। अरे करिए ना, जो कपड़े हैं वो अरे वाह, मैं भी कैदी बन गया, क्या बात है। जैन मैडम, और करेगा बोल। तुम दोनों अपनी कमीज उतारो। मैडम, दिस इज टू मच इंसल्ट फॉर मी। अरे जब गुरु ने कमीज उतार दी है तो मैं भी कमीज उतार देता हूँ। चल बताओ। मैडम ने पैंट उतारने को तो नहीं कहा? क्या कर रहा है? तो बता, गीदड़ की औलाद है या बकरी की? राजशेखर, मैडम दोनों को अंदर डाल दो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विजय राज है, मैं कुणाल का जीजा हूँ। मालूम है, बैठिए। मैं पहले ही आपसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन इस तरह मिलना होगा ये नहीं सोचा था। इस शहर के सभी पुलिस स्टेशन्स में होली से लेकर दिवाली तक हमारे यहाँ से ही बोनस जाता है। आप अभी यहाँ नहीं आए ना, धीरे धीरे सब समझ जाइएगा। ये दोनों लड़के बहुत ही बदमाश है। ये आपके साथ जीप में बैठ कर यहाँ पुलिस स्टेशन तक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये दूसरों की कमीजें उतारते फिरते हैं, लेकिन आज इन्होंने ऐसे कपड़े उतार रखे हैं जैसे कि कोई शराबी उतारता है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, उसके बाद भी अगर कुछ हासिल ना हो तो ऐसी ड्यूटी किस काम की? मुझे यही उम्मीद थी, आप बहुत होशियार हैं, आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करेंगे आप। इन दोनों को बाहर निकालो। कुणाल, नई नई आई है यहाँ, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। सब कुछ मालूम है इसे, शेरनी की तरह घूर रही है, बगैर पंजा मारे नोच लेगी ये। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अब तो सब आपके हाथ में ही है, देख लीजिएगा आप। सो भाई चलो। अरे क्यों तुम उस पुलिस वाले से पंगा ले रहे हो? बस एक हल्का सा झटका दिया था। क्या घूर रहा है? निकल ले, नहीं तो उधेड़ के रख दूंगी। ए पकिया, देख इसे, ये अपना पांचवा राउंड शुरू कर रहा है। अबे ये तो इसे अपना समझकर पीता है। समझ में नहीं आता तुझे? तू पी ना, इसी से तो अंदर का माल बाहर आता है। पिएगा नहीं तो अंदर का माल बाहर कैसे आएगा? पी।
क्या बात है भाई, बड़े गौर से म्यूजिक सुन रहे हो। जब से उस पुलिस वाली को देखा है उसी के ख्यालों में डूबे रहते हो। तुम बस हाँ बोलो, लड़कों को भिजवा कर उसे अभी उठवा लेता हूँ मैं। छोड़ ना, देख नहीं रहा मैं कितने अच्छे मूड में बैठा हुआ हूँ। ए, देख तो जरा इसे। पक्या, उस लड़की में कुछ तो बात है यार, मेरे दिल को उसने पूरा निचोड़ लिया है। क्या, तुम्हारे दिल को निचोड़ लिया है? वो सलीम भाई के जूस सेंटर की जूस निचोड़ने वाली थोड़ी है ना। देखो भाई, उससे लेकर ज्यादा संजीदा होने की जरूरत नहीं है, चखना अभी तक नहीं आया। ए, वहाँ क्या कर रहा है तू? इधर आ, चल दिया, इधर भाई बैठा है, मालूम नहीं है तेरे को। सुन इधर, अबे सुन, वो हाफ चिकन इधर लेकर आ। हाँ? अबे इधर लेकर आना। ले जा। उधर क्यों भेज दिया? उसे छोड़ना यार, कोई बाहर से आया हुआ शख्स लगता है, अपना बार है यार, जो भी चाहिए तो फिर से एक बार ऑर्डर कर दे। चिकन 65 मैंने मंगवाया, तू उनको जाकर क्यों दे रहा था? ए, सुन, जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि तू एक ही म्यूजिक बजाए जा रहा है, कुछ चेंज करना यार, कोई ढिंचक सा म्यूजिक बजा। ए, जाके बदलना, तू जाता है या मैं खुद जाके बदल दूँ? जा। ए हीरो, अरे नागपुर से यहाँ आकर गवाही देने के चक्कर में तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। अरे भाई, वो हमारे वार्ड में आके हुड़दंग मचा रहा है भाई, अभी देखता हूँ मैं उसे। ए बेवड़े, कहाँ से आया तू? नागपुर से आया हूँ। सुनो भाई, नागपुर से आया ये? तो फिर अच्छी बात है। शराब पीना तो समझ में आता है, लेकिन तेरे घर जाने का वक्त हो गया और तू अपनी बस पकड़ने की बजाय यहाँ पर खड़े होकर कमर हिला रहा है। ए, बंद कर ये गाना, अब खामोशी से बैठ के पी, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, अकल का अंधा। क्या बोला? ओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ भाई, ना बचाओ। चलो जल्दी 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 करो, पकड़ो पकड़ो सबको, पकड़ो, पकड़ो सबको, क्या है सेंस वाले, सबको पकड़ो, हमको छोड़ दो। अब ये हमारी पहचान वाली बन गई है ना, बस इसे हर मर्तबा घर बुलाकर दहेज देते रहना होगा। सारा फसाद इसने शुरू किया, हमने कुछ नहीं किया, इसी ने पहले शुरू किया था, इसको ने पकड़ के हमें पकड़ लिया, छोड़िए आप लोगों को, इसको पकड़िए ना, चल चुपचाप, छोड़ दो साहब, इसके लिए दूसरा कानून है क्या? हम लोगों को पकड़ने जा रहे हैं। अब दिखाते हैं इससे जलवा। हमने कोई गलती नहीं की, छोड़िए। क्यों, ये कोई बात हुई? तुम पुलिस वाली हो और हम चोर हैं, चोर भागेगा और पुलिस पकड़ेगी, क्या बोलता है बगिया? रेडी, चल भागते हैं। ए, ए, रुक, अबे रुक, भाग, 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 रुक, चल भाग इस गली से, और तेज भाग यार, पीछे पड़ी हुई है। गुरु, पीछे आ गई है वो, तेज धूप में कहां तक भगाते रहोगे? ये छोटा सा मजाक है यार, उस रोज इसने हमारी कमीज उतरवाई थी ना, आज इसका हम पसीना निकलवा देंगे। चढ़ाई थी, सब उतर गई है भाई, अच्छा हुआ एक क्वार्टर में हाथ में लेकर आ गया। अरे तू भी ना यार भाई, ये उतर रास्ता बंद है, इस तरफ से आओ, जल्दी आओ, हमें बंद रास्ता ही तो चाहिए ना। ए रुक, मैंने कहा था ना इधर रास्ता बंद है।
छोटी सी बात को तूल मत दो, वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन चलो। नहीं चला तो? कुणाल मजाक मत करो, खामोशी से मेरे साथ चलो, नहीं तो घुटने के नीचे गोली चला दी ना, पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजरेगी। ये मेरा घुटना है मैडम, किसी बकरे का घुटना नहीं है। मैडम गोली चलाने से पहले मेरी छोटी सी उलझन क्लियर कर दीजिए, इसमें वाकई गोली है या फिर ये बच्चों को डराने वाली नकली पिस्तौल है? ये तो हकीकत की पिस्तौल है। अरे भाई मैं तो चला यहाँ से। इधर उधर क्या मार रही हो, सीधे यहाँ पर मारो ना। देख कुणाल मेरे साथ मजाक मत कर। मेरे माथे पर गोली से टीका लगाने वाली पुलिस पंडित हो गया। क्या बोल रहे थे? बकरी की औलाद हूँ या गीदड़ की औलाद हूँ? शेर की औलाद हूँ मैं, शेर की। मैं किसी का खून करने नहीं आया था, खून करने आया था, मैं गवाही देने के लिए आया था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं यहाँ किसी का खून करने नहीं आया था। वो लोग मुझे मार रहे थे, हम लोग वहाँ पर बैठ कर थोड़ी देर के लिए बस पीने के लिए बैठे थे, वो लोगों ने वहाँ पर आकर सारा फसाद किया। अरे बाप रे, बचाओ, अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैडम अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन की शादी है मैडम, अगर आपने कोई मामला दर्ज कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, प्लीज। राजशेखर इन सबको चाय पिलाओ। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब और मानने की जरूरत नहीं है मैडम, पहले ये जिस्म टूटकर आधा बचा है, प्लीज मैडम। होठों पर एक अच्छी निशानी छोड़कर आया हूँ, अब वो मरते दम तक मुझे हरगिज नहीं भूल पाएगी पकिया। रिवॉल्वर दिखाने वाली के गुरूर का ऐसा कीमा बनाया मैंने जैसे कसाई गोश्त का बनाता है। क्या भाई, उसने बंदूक दिखाई और तुमने उसे किस कर लिया, अब ये सोचो कि क्या वो खामोश बैठी रहेगी या ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। इसी बात पे एक और मार लिया जाए। तू पूछ क्यों रहा है पगया, ये मंगाया किस लिए? क्या बोल रहे थे? बकरी की औलाद हूँ या गीदड़ की औलाद हूँ? शेर की औलाद हूँ मैं, शेर की। आज मैं पहली मर्तबा किसी ऐसे मर्द से मिली हूं, लेकिन ए भाई बहुत पी चुके हो, अब तुम घर जाओ, वहां तुम्हारी बीवी परेशान हो रही होगी। ए पगिया देख, यहाँ पर कोई पीकर लुढ़का हुआ है, इस बुड्ढे का किसी ने कत्ल करके तो नहीं छोड़ा है? आधी बच्चे तू पी ले। ये तो अपने उसी इंस्पेक्टर का बाप है यार। I am Thomas. अच्छा तो ये बात है, पहले ही समझ जाना चाहिए था, रात के 12 बजे इसीलिए पिकट टुन बड़ा हुआ है आदमी, हमसे भी बड़ा बेवड़ा है ये तो। अरे ये तो इसका रोज का है भाई, इसे इसके घर पे पहुंचा देते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ, तू भी टुन और ये भी टुन, इसे घर ले जाने के बहाने तू लड़की से मिलना चाहता है। बकवास मत कर, ऑटो के पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा जी, हम लोग बाइक पर बैठकर आए हैं, आप घर के अंदर जाइए। घर आ गया क्या?
By the way, I am Thomas. बहुत अच्छे लड़के हो तुम। ठीक है, आप जाइए अब। शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है सर, आप जाइए। आप जाओ ना भाई। अंकल, अरे बचाओ भाई, मैं दबके मर जाऊंगा भाई, ये बहुत भारी है, बचाओ बचाओ भाई। अरे ये सो गया, संभालो इसको। अबे ऐसे खड़ा क्या है, चलना इसे घर के अंदर छोड़ देते हैं। तलवार लटकी और तू अंदर जाने के लिए कह रहा है, तू ही लेके जा इसको अंदर, मैं बाहर ही ठीक हूँ बाबा। ये तो मुझे ही घर के अंदर ले जा रहा है यार। हेलो हेलो मैडम, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। फॉल टाइट होकर पड़े हुए थे वहाँ पर, पूरी रात वहीं पर रह जाते, मैंने सोचा कि थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, और आप है कि मेरी इस इतनी हिम्मत तेरी, मुझसे झगड़ा करने के बाद भी तू मेरे सामने खड़ा है। बेटे इसे कुछ मत बोलो, ये बहुत अच्छा लड़का है। डैडी, आपसे कितनी मर्तबा कहा है मत पिया कीजिए, अंदर चलिए, मानते ही नहीं है। मैंने शराब का पी है, शराब ने मुझे पिया। पहले हम इन्हें अंदर लेकर चलते हैं, फिर अपनी परेशानी दूर करते हैं। पके इधर आना यार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे अभी तो अंदर आया, बाहर क्यों ले जा रहे हो मुझे? आराम से आराम से। बैठो। मालूम होता है अभी तक आप नाराज हैं। अरे उसे एक बुरा ख्वाब या फिर एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाइए। तूने जो काम किया है उसके लिए मैं तुझ पर अटेम्प्ट रेप केस लगवाकर अंदर करवा सकती हूँ, लेकिन लोग कहेंगे कि मैं इसे पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। कुणाल, तू मुझे जाने बगैर ही मेरे साथ खेल खेल रहा है। चल कोई बात नहीं, लेकिन तेरी हिम्मत की वाकई दाद देनी पड़ेगी। अब वो तो है मैडम, जो भी करता हूँ बेखौफ करता हूँ, सब कुछ इंग्लिश फिल्म की स्टाइल में करता हूँ। अगर मेरी खातिर कोई नाराजगी है तो उसे निकाल दीजिए। ऑमलेट मंगाया था तो बॉयल अंडा ले आया, तो भी ना। देखिए मैडम, पीने वाले सब बच्चे की तरह ही होते हैं, इन्हें डांटा ना कीजिए। पिस्तौल में गोली है कि नहीं फिर से देखना है क्या? तो आपके यहाँ भी ये तस्वीर है? यहाँ भी कई लोगों के घर में है, मैंने बहुत सुना है इनके बारे में। लोग कहते हैं ये बहुत बड़े इलाही शख्स थे, इन्हीं को सूली पर चढ़ाया था ना, लेकिन ये तीसरे ही रोज फिर से जिंदा होकर सब लोगों के सामने लौट आए थे। जय हो। जीसस। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। चल बे पकिया। शुक्रिया डैडी को घर लाने के लिए। अरे रहने दीजिए, हमारे यहाँ के सारे लोग बस इसी तरह के होते हैं, जो हमारा साथ देता है उसके लिए हम जान लुटा देते हैं। चलता हूँ मैडम। गुड नाइट। चल। बड़ा सा पीस निकाल कर डाल भाई। हेलो मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस यहाँ मटन लेने आई थी। अरे तो आप क्यों आ गई, फोन कर देती, मैं खुद ही लेकर आ जाता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे मार्केट भी देखना था इसलिए। ये भी ठीक है। ये साहब कौन है? डैडी, यही कल रात आपको घर लेकर आए थे। ओह आई एम सॉरी, आई एम थॉमस। चलिए निकल गया था, सॉरी। ए राजा, बगैर हड्डियों का पीस दे देना। अच्छा कुणाल, मैंने सुना है कि इस कारोबार को तुम्हारे पिताजी संभालते हैं। सही सुना है, वो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं। आप पिताजी से मिलना चाहेंगी क्या? यकीनन, मैं खुद उनसे मिलना चाह रही थी। ये शहर काम धंधे वालों का है, यहाँ लड़कियों की सप्लाई जैसे गोरख धंधे नहीं होते हैं। तुझे इल्म है ना, शोएब से मैं निपट लूंगा, तुझे मैं दूसरे काम पे लगाता हूँ। ठीक है मालिक। लेकिन आगे तू ये सब काम नहीं करेगा। नहीं करूंगा मालिक। और अब तुझे जो काम दिया जा रहा है उसे दिल लगाकर पूरा कर। जी मालिक। उन लड़कियों को जल्दी से उनके घर पहुंचा दे। पहुंचा दे तू मालिक। इसको पैसे दे दीजिए। चल, पैसे लेने के बाद अगर दोबारा यह कारोबार शुरू किया और मालिक को खबर हुई तो तेरी खैर नहीं, समझ गया? आइए पिताजी, ये हैं डैरिलिन थॉमस, नई पुलिस इंस्पेक्टर। नमस्ते। नमस्ते। बैठो बेटी। बैठिए। खुशी हुई तुमसे मिलकर, बहुत छोटी उम्र की मालूम होती हो, लगता है ये नौकरी तुम्हें जबरदस्ती दे दी गई है। ऐसी बात नहीं है, मुझे बचपन से ही पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिश थी। अच्छी बात है, सबका अपना अपना शौक होता है, कौन किसे समझा सकता है। बकरे का दिमाग अलग, गाय का दिमाग अलग, इंसान का अलग, उसी तरह पुलिस वालों का अपना दिमाग होता है, गुंडों का अपना होता है। जब तक कोई किसी के दरमियान ना आए तब तक हर किसी का कारोबार चलता रहता है। यहाँ जो भी मौजूद है सब बकरे का कारोबार करते हैं, कहने पर आदमी को भी काट डालेंगे। थोड़े सर फिरे हैं ये लोग,
ये जरूरी तो नहीं कि इनका खानदान भी ऐसा ही हो। कसाई के बच्चे हैं तो क्या जरूरी है कि वो सरकारी स्कूल में ही दाखिला लें? कॉन्वेंट में वो नहीं पढ़ सकते क्या? बताइए, इसलिए इन्हें अपने साथ रखकर इनकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कारोबार गलत हो लेकिन जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। गलत काम करो लेकिन ईमानदारी से करो। इसलिए सियासतदान मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। तुम मेरी बात समझ गई होंगी। खैर छोड़ो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अभी नहीं हुई है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से शादी जल्द हो जाएगी। अब तुम हमारे यहाँ आ गई हो ना, देखना सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। कह रहो, ये लोग मुझसे किसी चीज के पैसे नहीं ले रहे हैं। ये मेरी डैडी है। I'm Thomas। हाँ, मालूम है, मालूम है। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। गुना जी, इन्हें छोड़कर आओ। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। अच्छी लड़की है बाबूजी। लड़की तो अच्छी है लेकिन पुलिस वाली है। उल्ला, you like this city very much? Of course I like this city. It's very positive here. But very violent city. I security for you. Fine. Today is my birthday. Take it. Oh. Ulla, happy birthday. Thank you, my dear. When is your birthday? My birthday? I don't know, Ulla. My mother throw me in kachara. Huh? I mean dustbin. Oh. I'm yatim. Orphan? Oh, don't worry, dear Pakya. We're all God's children. I am always don't worry. Pakya, I want to buy some modern art painting. Modern art? Hmm. अरे ये क्या नमूना बनाया है? कहीं से भी देखो एक जैसा ही नजर आता है। मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ लोग बैठे हैं यहाँ पर तो। अंडे के अंदर से ये इंसान कैसे बाहर निकल रहा है? It's all about magic of phrase. I have a fantastic collection. And this is all about Lemuria. Mm-hmm. And that's about five elements. Earth, fire, water, mm-hmm. sky and air. Painter बाबू, उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्या? अरे लड़की को जो भी पसंद है उसे बनाकर दे दो ना। What type of painting do you like? Tell me, I can draw within an hour. Sure. Sure. कहाँ फंस गया? इल्ले के लिए भी मना कर दिया इसने तो। अब भाई जल्दी पेंटिंग बना कर दे। जिंदगी में पहली मर्तबा इतना खामोश बैठा हूँ मैं। Pakya, come on, look at your own drawing. अबे आपके अंधे, कंप्यूटर की तरह छाप कर रख दिया तूने। Here. This is my gift. Today is not only my birthday, it's your birthday too. Happy birthday, Pakya. I love you. शहर में आजकल लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। छोटे छोटे लोग बड़े लोगों की गर्दन काटते फिर रहे हैं। सब लोग अब हमारे ही रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं। हाँ। पुलिस वाले तो किसी काम के नहीं रहे। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं, रहने दीजिए, मैं अभी पी कर आया हूँ। सब बड़े बड़े नोट हैं, गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत, मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई, ले पकड़। सारा माल चेक कर लेना, सब ठीक है कि नहीं। कुणाल भाई, क्या हुआ तुम्हें? जीजा जी को हाजी की दुकान के पास। क्या हुआ जीजा जी को? क्या हुआ तुम्हें? ए पक्या, चल चल। हाँ। चलो भाई। हाँ, चल। Thank you.
ये देख। हाँ यार, ये तो जिया जी की मोटरसाइकिल है। जीजा जी, जिया जी, जीजा जी, जिया जी, कौन है बे? जीजा जी, 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 कुणाल वहां खून है यार, कुणाल वहां देखना, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी, क्या हुआ आपको जीजा जी, क्या ये सब कुछ नहीं होगा आपको जीजा जी, आप ठीक तो है ना जीजा जी, जीजा जी कुछ तो बोलिए, कुछ नहीं होगा जीजा जी, कुछ बोलिए ना, बोलिए जीजा जी, जीजा जी बोलिए ना, बोलिए जीजा जी, किसने किया कुणाल, I'm sorry। ये सब यकीनन किसी ने मंसूबा बनाकर किया है। दो तीन रोज में हमें इल्म हो जाएगा कि मुजरिम कौन है। आपको इल्म हो या ना हो, लेकिन मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। पागल मत बनो, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? कानून के दायरे में जो करना है मैं करूंगी। पुलिस स्टेशन में कुछ काम बाकी है, मैं चलती हूँ। हेलो मैडम, जैसा आपने कहा था उसी के मुताबिक विजय राज को मरवा दिया है। अब बड़े घर में हाथ डाला है मैडम, तो आपको ख्याल रखना होगा कि मुझे कोई परेशानी ना हो। कुछ रोज के लिए इस इलाके में नजर नहीं आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब तू जाकर अपनी बहन की शादी करवा। ठीक है मैडम। अगर ये कटआउट ऐसा ही खड़ा रहेगा तो सूबे का वजीर कैसे बनेगा? ओ मैडम, अगर ये वजीर बन भी गया तो खुद के लिए दो चार बंगले और खरीद लेगा, तो मैं क्या हासिल होगा? अब मुझे ही देख लो, मेरे जैसे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं करता। इतनी काबिलियत के बाद भी मुझे वजीर का होता कोई नहीं देता। यस सर। बहुत खूब कैरोलिन, बढ़िया मंसूबा था तुम्हारा। एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल दिया, पहले उसे पैसे लिए फिर उसे खत्म भी कर दिया। क्या बात, ऐसा तरीका तो सिर्फ कैरोलिन ही सोच सकती है। तुमने बेहतरीन काम किया है। वो कटआउट गणेश भी इस बात को लेकर बेहद खुश हो रहा होगा, लेकिन आगे से तुम्हें होशियारी से कदम रखने होंगे। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, खबर मिली है कि हमारे आदमी चांद पर जल्दी पहुंचने वाले हैं। 2 रुपए छुट्टे मिलेंगे। ए, तू जा यहां से, जा निकल। ड्राइवर जी, छुट्टे इस आदमी को दे दो। जी मैडम। शुक्रिया मैडम, गो स्ट्रेट, डोंट वरी सर। अमिताभ का कद भी मुझसे सिर्फ 2 इंच ज्यादा है। क्या भाई, तैयार हुआ कि नहीं? हाँ भाई, पकिया काम चल रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। ला रे स्क्रू ड्राइवर दे। कुणाल भाई, एक जरूरी बात करनी है। बोलना रे। मेरी शादी पक्की हो गई कुणाल भाई। हे,
बगैर बताए शादी चुपचाप? बताने ही वाला था लेकिन उसके पहले ये हादसा हो गया। अच्छा लड़की कहाँ की है, सूरत की है या दिल्ली की है? उनमें से कहीं की नहीं है भाई, वो अपनी रशिया वाली ओला है ना। अरे तूने बड़ा लंबा हाथ मारा यार। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था भाई, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। आखिर मुझे कौन अपनी लड़की देगा, इसलिए जो मिल रही है उसी को मैं कबूल कर रहा हूं। शादी कब है बता? कल ही शादी भाई, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। कल ही है तेरी शादी? क्यों क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, कल दीदी का सामान थोड़ा शिफ्ट करवाना है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कल की कल देख लेंगे। भाई उस कैरोलिन को अगर तुम मेरी शादी में गवाह बना दोगे तो बेहतर रहेगा। वो क्या है कि वो लड़की यहाँ घूमने के लिए आई थी और अब मैं उससे शादी कर रहा हूँ, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जोड़ी बनाने वाले कम मिलते हैं लेकिन जोड़ी बिगाड़ने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। रजिस्ट्रार के दफ्तर में? वही अपने थाने का रजिस्ट्रार। कैसे लग रहे हैं जीजा जी? कुणाल, जिया जी के कातिल को हम बख्शेंगे नहीं। क्या बात है भाई, इसका तो काम हो गया। सही है। अलगार? अलगार नाम है तो फिर तुम्हें सब कुणाल क्यों बुलाते हैं? अरे वो सब तो इसे प्यार से बुलाते हैं। अब जैसे कि मेरा नाम आनंद है, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकिया पकिया बोल के मुझे सच में पूरा पका दिया है। यहाँ रहने वाले हर शख्स का एक और नाम रखना हमारे शहर का रिवाज है। हाँ। फिर तो तुमने मेरा भी कोई नाम जरूर रखा होगा। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। रिवॉल्वर रीटा। Ula, your husband's name is Anand. Don't call him Pakya. No, no, Pakya is a wonderful name. I love to call him Pakya. ये हुई ना बात क्या? अच्छा, शादी वादी तो हो चुकी, अब शादी की दावत कहाँ होने वाली है? दावत के बगैर शादी का क्या मतलब है? कॉलेज में दावत का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। रामू काका जी, ये सब उनके कपड़े हैं, आप इन सबको ले जाइए। सोनिया जी, भाभी इसे ले जाकर अंदर रख दो। जी। माइकल जैक्सन, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं ना, इसीलिए हम सब लोग अपना घर छोड़कर नाना जी के घर में आ गए हैं। माइकल जैक्सन, हम लोग भी कुछ रोज के बाद मर जाएंगे और उसके बाद मैं भी अपने पापा से जाकर मिलूंगी। रामू काका, रामू काका कहाँ चले गए आप? क्या हुआ? इस बकरी को बाहर छोड़ कर आइए। इसकी बाप की दी हुई आखिरी निशानी है। ये क्या हो रहा है? ले जाइए इसे। क्यों हंगामा मचा रखा है? देखिए ना नाना जी, ये सब माइकल जैक्सन को ले जाकर बाहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लो सब लोग, आज के बाद ये लड़की मुझे रोती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। मेमना यहीं पर रहेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। बेचारी उस बच्ची को तन्हा छोड़कर तुम चले गए दामा जी, छोड़कर चले गए। मालिक। हाँ मालिक, आपका फोन आया है। कौन बोल रहा है? बाबू श्याम बिहारी जी, मैं कटआउट बोल रहा हूँ। उस रोज जब मेरे घर में मौत हुई थी तो मैं रो रहा था, आज तुम्हारे घर में मौत हुई है और तुम्हें बेहद तकलीफ हो रही होगी ना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्ली रोज चूहे को पकड़कर खाती है, लेकिन चूहा भी कभी ना कभी बिल्ली को काट खाता है। क्या बाबूलाल, कैसी लगी? क्या बात है नेताजी, आपका जवाब नहीं, मैं जरा अपने घर होके आऊं। ठीक है आता हूं। कौन बोल रहा है? साहब जी, मैं जो बोल रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा, आपके दामाद को मंसूबा बनाकर मरवाने वाला कटआउट गणेश है। शहर के लोगों को इल्म ना हो इसलिए उसने बाहर से गुंडे बुलवाकर ये काम करवाया है। तू है कौन? आज तुम्हारे घर में मौत हुई है और तुम्हें बेहद तकलीफ हो रही होगी ना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कमीने!
दामाजी को मारने वाला वो कटआउट ही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा रुक जा, ऐसा मत कर, छोड़ दो मुझे। जब तक वो उस कमीने को अपने हाथों से मार नहीं देता, तब तक दामाजी के रूह को सुकून हासिल नहीं होगा। बच नहीं सकता। रोक यहीं पर। गणेश, तू यहाँ मेरे दामाद को तू नहीं मारा था ना? ये ले। क्या हुआ? मेरे खानदान को तूने खत्म कर दिया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। मैं औरत पर हरगिज हाथ नहीं उठाता, लेकिन तू औरत के नाम पर कलंक है। अरे इसे छोड़ दे यार, अभी तो बेचारी की शादी हुई है और तू अभी से इसके पीछे पड़ गया है। ओके, एंजॉय योर मैरिड लाइफ, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा। स्पॉट पर पहुंचो और किसी को वहां दाखिल नहीं होने देना, मैं सीधे वहीं आ रही हूँ। कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे पिताजी ने जल्दबाजी कर दी, एमपी और एमपी की बीवी का कत्ल कर दिया है उन्होंने। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सीधे स्पॉट पर जा रही हूँ, तुम अपने पिताजी के बारे में पता करो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। Thank you for coming. We are very happy. What is his name? हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ, अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे जीजा जी को मारने वाला कटौती था। मेरी बेटी का मंगलसूत्र छीनने वाला सुकून से बैठा रहे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता? ये हमारे लिए शर्म की बात थी, इसलिए उसे मार डाला। अभी मैं अपने पुराने वाले घर पर जा रहा हूँ, पहुँच कर फोन करता हूँ। सोचा था नेताजी मंत्री बनेंगे तो माला पहनाऊंगा, पता नहीं था कि इनके अर्थी पर माला चढ़ाना पड़ेगा। जाने दीजिए हमें। सर, जितनी जल्दी हो सके श्याम बिहारी को गिरफ्तार करो। ओके सर, जल्दी करता हूँ सर। पार्टी मेंबर बाबूलाल को फोन दो। हाँ सर। नेताजी हमें छोड़कर क्यों गए? ओके सर, मंत्री जी लाइन पर हैं, पहले से बहुत नाराज है वो, उनसे और कुछ मत कहना। हाँ मंत्री जी, आज हमारे पार्टी का एक झंडा नीचे गिर गया। हर बात पर कहा करते थे कि मेरे बाद तू ही इस पार्टी को संभालेगा। ठीक है, फैसला होने तक तुम ही उनकी जगह को संभालोगे। ऐसी बात है, ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ अब तुम फटाफट अपने काम पर लग जाओ, जाओ, जब तक वो श्याम बिहारी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी देर शांत रहिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, प्लीज। सर, खुलेआम दिन दहाड़े एक एमपी और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया गया, कानून सो रहा है क्या? हमने सुना है कि इसके पीछे श्याम बिहारी जी का हाथ है, आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए, इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इस मामले को इंस्पेक्टर कैरोलिन हैंडल कर रही हैं। वक्त आने पर हम खुद आपसे मुखातिब होंगे, अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर, एक मिनट सर, एक सवाल और सर, प्लीज सर, प्लीज सर, बताइए सर, बताइए, सुनिए। कैरोलिन, मामला आप ज्यादा तूल पकड़ रहा है, ये प्रेस वाले हमारे पीछे पड़ गए, हमें फौरन कार्रवाई करनी होगी। श्याम बिहारी को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं है, पर गिरफ्तार करना ही होगा, और इस काम को बड़ी होशियारी से तुम करोगी। यस सर। आज की अहम खबरें, पश्चिमी जिला के एमपी श्री गणेश यादव उर्फ कट आउट और उनकी बीवी का दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है।
इस कत्ल के पीछे बकरों के कारोबारी श्याम बिहारी जी का हाथ बताया जा रहा है। इस हादसे की वजह से पूरे शहर में बंद का माहौल है। दंगों जैसे हालात से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। प्रतापगढ़, आनंद नगर, जवाहर नगर, उल्लास कॉलोनी जैसे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक साथ चार से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया है। कुणाल, मामला बहुत संजीदा हो गया है। रूलिंग पार्टी के एमपी होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। एमपी के घर के सिक्योरिटी वाले इस मामले के अहम गवाह हैं। ऐसे में तुम्हारे पिताजी के सरेंडर करने में ही बेहतरी है। सरेंडर? मेरी बात समझो, बाहर रहेंगे तो परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। पार्टी की तरफ से तुम्हारे पिताजी की जान को खतरा हो सकता है। सरेंडर करेंगे तो हमारी हिफाजत में रहेंगे। पुलिस स्टेशन लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधे अदालत में हाजिर कर देंगे। हाँ सर, इनका कहना ठीक है, रिमांड दिखाकर जमानत करवा सकते हैं। ठीक है, मैं पिताजी से बात करके देखता हूँ। बाहर रहने से आपकी जान को खतरा है पिताजी, सरेंडर करने पर सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो कुणाल, मालिक को सरेंडर करने के लिए कह रहे हो? अरे इनकी जगह तो लाखों लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर, आई विटनेस बहुत स्ट्रांग है, ये बात मामूली नहीं रही, सियासती मोड़ ले चुकी है। क्या कह रहे हो वकील, मेरे सरेंडर हो जाने से ये सब बंद हो जाएगा क्या? मौत से खौफ ज्यादा हो फरार होने वालों में से नहीं है श्याम बिहारी? 16 साल की उम्र में ही एक आदमी का खून करके जेल की सैर करके आया है श्याम बिहारी, और अगर मेरी जगह कोई और सरेंडर करता है तो फिर अपने दामाद की मौत का इंतकाम लेने का क्या फायदा? कुणाल, कल सुबह इंस्पेक्टर ने को यहां आने के लिए कह दो तुम। ठीक है पिताजी। संभल के, तुम भी संभल के रहना। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुम कोई गांधी की शागिर्द थोड़ी ना हो। मैं देखो, मुझे पुलिस वालों पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तुम पर यकीन करता है। चलो चलते हैं। कुणाल, अदालत में एसीपी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम पहले वहां हाजिर होकर सारा इंतजाम कर दो, वक्त जाया मत करो। पिताजी का ध्यान रखना। कुणाल, मुझ पर यकीन नहीं है। आराम से सर। गाड़ी आगे निकाल। मालिक को अगर कुछ हुआ ना तो किसी की खैर नहीं। मैडम, हाँ। अनवन थूकना हो तो थूक लीजिए, या फिर और कुछ करना हो तो वो भी यहीं कर लीजिए। शहर पहुंचने के बाद अगर पूछताछ शुरू हो गई तो ये सब करना मुश्किल हो जाएगा। एक गाड़ी को यहीं किनारे लगा दो। आइए भाई साहब।
ख्याल। कांग्रेचुलेशंस कैरोलिन, शुक्रिया सर। एनकाउंटर तुम्हारे करियर को कहां से कहां पहुंचा देगा। कान पक गए थे इस श्याम बिहारी का नाम सुन सुन के। पूरा शहर अब सुकून की सांस लेगा। ओए, बड़ी गाड़ी में डालो। क्या हुआ रे? टायर पंक्चर हो गया। इसे भी अभी होना था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। The number you have called is currently switched off. The number you are trying to reach is currently switched off. कैरोलिन का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। पंक्चर बन गया। अरे भैया उधर पुलिस ने जाम लगा रखा है। सड़क पर पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है। किसी का मर्डर हो गया है। ए, गाड़ी घुमा जल्दी। हाँ। Come on, hurry up. जल्दी करो। जल्दी। इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। Come on, quick. ओके सर। कांस्टेबल क्या हुआ है यहाँ? साहब वो मैडम को गोली लग गई है। क्या? कैरोलिन, कैरोलिन गुनाल, I'm sorry, तुम्हारे पिताजी। पिताजी क्या हुआ? पिताजी को चल जल्दी। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी मैं आ गया। पिताजी उठिए, बोलिए पिताजी। श्याम बाबू को इस एसीपी ने धोखे से मारा है बेटा, इसीलिए मैंने उसे गोली मार दी। पिताजी कुल देवता को ही मार डाला उन्होंने। शहर को जला डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। एक भी सियासतदान जिंदा नहीं बचना चाहिए इस शहर में।
बाबूलाल भाई जिंदाबाद, 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 बाबूलाल भाई। अरे पहले मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अगले एमपी आप ही होंगे। जब तक ऊपर से फैसला नहीं आता तब तक क्या कर सकते हैं नेताजी? आपके साथ एक तस्वीर निकालनी है। ऐसी बात है, आ जाओ, आ जाओ, तस्वीर निकालना। ठीक है नेताजी, नमस्ते। एक तस्वीर हो जाए आपके साथ। आजा भाई आजा। खिच 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 खिच। एक कॉमेडी पीस। अपना हाथ नीचे कर। कुणाल, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे पिताजी की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। एसीपी ऐसा करेंगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेवजह इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे आप पर इतना ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए था। मालूम नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मुझे उन्हें तरह जाने ही नहीं देना चाहिए था। उस एसीपी ने तुम्हारी आड़ में खेल खेला, धोखा दिया उसने, इसलिए पिताजी की चिता को तो मैंने आग लगा दी लेकिन उसको तो चिता भी नसीब नहीं हुई। जो कुछ हुआ उसका हम सबको अफसोस है। अब बार बार उस बात को दोहरा कर क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा है कि मैंने विश्वासघात किया। अरे छोड़िए इस बात को। एक्सक्यूज मी, नमस्ते मैडम, मैं त्रिलोक पटेल, भास्कर भारती पत्रिका का रिपोर्टर हूँ। श्याम बिहारी के एनकाउंटर के मामले में कुछ पूछताछ करने आया हूँ आपसे। देखिए ये अभी बात नहीं कर सकती, आप बाद में आइए। सिर्फ एक ही सवाल है मैडम। महकमे में आपको एक संजीदा ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है लेकिन आपने श्याम बिहारी को बचाने की कोशिश की, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी मैं बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं हूं। गलत मत समझिए मैडम, मुझे बस यही एक सवाल पूछना था। और जब वो मना कर रही है तो परेशान क्यों कर रहे हैं? प्रेस वाले पे हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? मेरी ताकत का अंदाजा है कि नहीं? हम एक छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक को कलम की ताकत से हिलाने की ताकत रखते हैं। तुम श्याम बिहारी के बेटे कुणाल हो ना? तुम यहाँ? ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अंदर अंदर सेटिंग है मैडम। मैडम ठीक है, आपसे बाद में मिलूंगा। बाहर चलो, निकालो इसे यहां से, पहले अभी बाहर चलो यहां से। जाओ जाओ। क्यों मुनिम जी, नया एसीपी कुछ लेता हुए है कि नहीं? नहीं बेटा, खुद तो नहीं लेता बल्कि जो लेता है उसके हलक में हाथ डालकर बाहर निकाल लेता है। विनय कुमार नाम है इसका, पूरे महकमे में अच्छी धाक जमा रखी है इस एसीपी ने। क्यों एसीपी साहब, आप यहाँ पर किस चीज की तलाश कर रहे हैं? आप नए आए हैं इसलिए लगता है कि हमारे बारे में इल्म नहीं है। यहाँ पर गांजा और कच्ची शराब छिपा कर रखी हुई है, हमें ये खबर मिली है। गांजा और कच्ची शराब? यहाँ की बकरियाँ गांजा और कच्ची शराब नहीं पीती है सर जी। हमारे यहाँ मुनीम जी बकरियों को चारा देते हैं और पानी पिलाते हैं। मालूम होता है आपको किसी ने गलत खबर दी है। हमें कुछ नहीं मिला सर। अगर कुछ मिलेगा तो हम इत्तला कर देंगे जनाब। सॉरी, चलो। अच्छा हुआ कि आपने शराब को पहले ही दूसरे गोदाम में पहुंचा दिया। अरे आप तो मालिक से भी तेज हैं। मुनीम जी, मेरी रगों में भी आखिर पिताजी का ही खून दौड़ रहा है। अब आज के बाद इस जगह पर हर आने वाले को ऐसे ही झटके मिलेंगे। मुनीम जी, वो एसीपी कह रहा था कि उसे किसी ने खबर दे दी है। मुझे लगता है वो जो नया नया नेता बना है ना बाबूलाल, ये सब उसी का किया धरा है।
क्या हो रहा है ये सब? इसे बताया तो ये और मारेगा मुझे। कुछ नहीं हुआ जनाब, मेरे नेताजी के इंतकाल के बाद उनके दुश्मन लोग मुझे मारने के लिए आए हुए थे, तो इस कुणाल ने आकर मुझे बचा लिया है ना भाई। इस शहर में मेरे जैसे नेता और ये कुणाल जैसे शख्स हो तो हम मिलकर पूरे शहर की भलाई कर सकते हैं। सही कहा ना भाई। सर आप जाइए ना सर। तुम सब भागो यहाँ से, जब देखो मजमा लगा लेते हो। पार्टी मीटिंग होगी तो कोई नहीं आएगा, आप जाइए ना सर। अगर शिकायत करने का दिल करे हाँ, तो पुलिस स्टेशन आ जाना। आप जाइए, आप जाइए, मैं यकीनन आऊंगा आपके पास। इन्फॉर्मेशन देने पर तो इतना मारा, शिकायत दर्ज कराई तो मालूम नहीं कितना मारेगा। कुछ नहीं भाई, आज से तो मैं आपका नगर सेवक हूँ, मुझे मारने का आपको पूरा हक है। नेताजी के चले जाने के बाद तो मैं ही बचा हूँ ना, अब मंत्री भी मैं ही बनूंगा। अब देखो अगला एमपी तो मैं ही बनने वाला हूँ, लेकिन मैं उस कटआउट की तरह हरगिज नहीं हूँ। अब तुम कटआउट को जितना देते थे उसका बिल्कुल आधा मुझे दिया कर। चल जा। अबे नमक हराम कहीं का। जाओ 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 जाओ। अरे जाओ ना जाओ। अरे आइए आइए आइए, कैसे आना हुआ? आने वाली 15 तारीख को मंदिर में मेला है। हर साल आपके पिताजी हमारा हाथ बटाते थे, इस साल पिताजी नहीं है इसलिए उनकी जगह पर अगर आप आएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। इस साल भी हम सब उसी धूमधाम से मनाएंगे। जश्न की तैयारी के लिए काफी पैसों की जरूरत है। अगर पिताजी होते तो कितना देते? 50,000 रुपए बेटा। मेरे पिताजी के नाम पर 50,000 और मेरे नाम पर 50,000, यानी कुल मिलाकर 1,00,000। श्याम बिहारी जी तो बगैर बोले देते थे और आप दिल खोल कर दे रहे हैं, इसी को प्यार कहते हैं। शुक्रिया बेटा। अच्छा तो अब हमें इजाजत। इस समारोह को कामयाब करने के लिए आप पूरे परिवार के साथ हाजिर होने की कृपा करें। दीदी क्या हो गया, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे सोनिया हमारे मंदिर में। अरे कमाल है, कोई भी मेरी जानिब देख ही नहीं रहा है। समझ गया, मैं आता हूँ चला जाता हूँ, पहले से ज्यादा बदल गया हूँ, यही ना? ये सब आप लोग सोच रहे हैं लेकिन मुझे क्या क्या करना पड़ता है मालूम है? ये सब नहीं करूंगा तो कहाँ जाएंगे मालूम है? पिताजी थे तो 1,000 परेशानियां थी, अब 5,000 परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को मैं ही तो संभालूंगा ना। गुड़िया चलो। ए सोनिया, अरे रुको तो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। ऑटो से चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अरे इन सबको हो क्या गया है, सब दुश्मनों की तरह सुलूक कर रहे हैं। दीदी आखिर हुआ क्या है? प्यार की खातिर अपनी ड्यूटी पर तवज्जो नहीं देने की वजह से सीनियर ऑफिसर कैरोलिन बर्खास्त कर दी गई। कुणाल की मोहब्बत उसके सर पर चढ़कर बोल रही है। त्रिलोक पटेल, कई रोज से अपनी राशिफल नहीं देखी मैंने। अरे एक बड़ा चम्मच शक्कर डाल के चाय बनाना। ठीक है बनाते। अरे कुणाल क्या कर रहे हो, मुझे मत मारना। अरे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ यार, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस खबर को और भी बढ़ावा दे। हेलो कुणाल, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, जरूरी बात करनी है क्या? बस तुम आ जाओ। कैसे हुआ ये? कल रात को जब ये घर लौट कर आए
तो बहुत परेशान लग रहे थे, मुझसे काफी देर तक बातें भी कर रहे थे, और सुबह आकर देखा तो ए, रोज पानी डालते रहना तुम, पानी के साथ रहने वाली बॉडी है ये। वो निकालो। ए, हमारे जाते ही इसे निकाल कर पी मत जाना, कुछ देर तक वाटर इनके पास ही रहने देना, ठीक है? अबे सुन अकल के अंधे, हमारे जाते ही बोतल उठाकर पीना शुरू मत कर देना। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अरे तुम पर यकीन नहीं है मुझे, तुम तो मरे हुए लोगों के भी कपड़े उतार लेते हो, इसको क्या खाक छोड़ोगे? मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? कैरो, पुलिस की नौकरी अब बहुत हो गई बेटा, अब तुम ये नौकरी छोड़ो और चुपचाप शादी कर लो। मुझे कुणाल बहुत अच्छा लड़का लगता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पति साबित होगा। डैडी आप चुपचाप जाकर सो जाइए। सॉरी कैरोलिन, कैपिटल में था इसलिए तुम्हारी डैडी के डेथ पे नहीं आ पाया। कोई बात नहीं सर, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए बुलाया था। तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है? मैं खुद आपसे बात करने वाली थी सर। सभी मामलों को हमें तकरीबन एक ही तरीके से डील करना होता है, और अपनी ड्यूटी करते हुए हमें अपने मन को मारना पड़ता है। कई मर्तबा तो हम लोग भी एक गुंडे की तरह ही काम करते हैं सर। आप ही बताइए सर, उनकी जान लेकर हम सही करते हैं? एक जान की कीमत क्या होती है, ये अपने डैडी को खोने के बाद मुझे इल्म हुआ। कैरोलिन, मुझे लगता है कि अपने डैडी की मौत के बाद तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो। मुझे तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, हमारा कानून बैठ नहीं सकता, वो रास्ता तलाश लेता है। एनकाउंटर इज एन इमरजेंसी काउंटर। दूसरे शहरों से कहीं ज्यादा इस शहर में खून की होली खेली जाती है। अब हम इस मिशन को बीच में नहीं रोक सकते कैरोलिन, ये ऊपर के ऑर्डर्स हैं, तुम समझ सकती हो। तुम्हारी वजह से मिशन सही रास्ते पर जा रहा है, तुम्हारी बर्खास्तगी दूसरों को दिखाने के लिए है। महकमे के लिए तुम अभी भी उसी तरह से अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हो, और तुम्हारी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है, समझ गई? श्याम बिहारी के घर का कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए, तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाती रहो, प्रमोशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओके ओके सर। पूरे हफ्ते कायदे से नहीं नहाती, हफ्ते में एक बार तो कायदे से नहाया कर। तुम पीछे क्यों रे, किसके ख्यालों में दांत घिस रही है, सारे दांत घिस जाएंगे। सुन ले बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब मत कर वरना कत्ल कर दूंगी। मेरा नहाना हो गया। हेलो, आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कुणाल, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मैं तुम्हारे घर गई थी, किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम बिना मुझे बताए मेरे परिवार वालों से मिलने क्यों गई थी? मैं चाहती हूँ तुम गलत काम छोड़ दो। इसमें गलत क्या किया मैंने? मेरे काम को गलत कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए मेरा काम गलत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सारा काम मेरा कारोबार है। कटआउट जैसे लोग इस कारोबार में पैसा कमाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग इस कारोबार में दूसरों की भलाई करने के लिए उतरते हैं, समझ गई तुम? पुलिस में भी गुंडे होते हैं और गुंडों में भी नेक लोग होते हैं। खाकी कपड़े पहनकर तुम लोग जो लेते हो वो तोहफा है, और जब हम लेते हैं तो वो थेफ्ट है। कुणाल मेरी बात गौर से सुनो, जो नया ACP आया है वो सिर फेरा है। अच्छा, पुलिस का खौफ दिखा रही हो मुझे? पुलिस को कैसे चकमा दिया जाता है ये मुझे अच्छे से मालूम है, ACP को खामोश करना मुझे आता है। मैं आज तक झुका हूँ तो सिर्फ एक ही पुलिस अफसर के सामने। कोई भी बात मुझे घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है। तुमने शादी नहीं की, ये बात थॉमस अंकल के रूह को कचोटती रहेगी। अपनी मौत से एक रोज पहले वो पूरी रात मेरे सामने रोते रहे, तभी मैंने फैसला कर लिया था।
कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि वह सिंदूर लगाए, चूड़ियां पहने, गजरा लगाए, गजरा सजाए, अलग अलग किस्म की नई नई पोशाक पहने, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन इन सारी ख्वाहिशों को छोड़ करके गधे की तरह काम करती हूँ, यही होती है पुलिस की नौकरी। हे पकिया, कैसा है रे? हेलो उला, सब ठीक है? I'm fine. अच्छा पकिया, उला हिंदी बोलने लगी या फिर तू रशियन बोलने लगा है? पकिया कभी कभी बहुत झूठ बोलता है, तुम उसकी वाट लगा दो। ये हुई ना बात। पकिया एक बात बताओ, तेरी तो वाकई वाट लगने वाली है। भाई तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलना यार। कल रात को हम लोग रशिया के लिए निकल रहे हैं। ए, ये यकायक प्रोग्राम कैसे बन गया? मेरे पेरेंट्स पखिया को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो फिर डर किस बात का है? जब इसके माँ बाप राजी हैं, तो जाकर एंजॉय कर ले वहाँ पर। बस क्या है कि तू नहीं रहेगा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। अच्छा कल रात को बस है ना तेरी? हाँ कल रात को। तो है। सुन, तुझे और उला को मेरे घर पर खाने पे आना होगा। बुआ पानी। देखो तुम लोग शर्माना मत, पेट भर के खाओ। दीदी जब भी मैं गोश्त खाता हूँ ना तो मुझे जिया जी की याद आ जाती है। चलो खाओ। ए अकल के दुश्मन, चल चुपचाप खाना खा। ए पक्या, तेरे बीबी का नाम क्या है रे? उला। उला है कि फूला है? सुन भाई, शाम को 7 बजे की बस है, सोचा कि जाने से पहले एक मर्तबा कैरोलिन मैडम से मिल लेते हैं। यार मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने का, तू चला जा। उसका और मेरा कुछ रोज से झगड़ा चल रहा है। क्या बोला? तेरे बगैर जाऊं मैं? अरे तू है तभी तो मेरी जिंदगी है। एक चल, तू तैयार हो जा, चल। अरे चल ना यार, तैयार होना जल्दी। तू भी ना यार, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये सब हमारे यहाँ की रिवायतें हैं। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दस्तखत किया था ना तो मुझे वीजा जल्दी मिल गया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हें एक अच्छी बीवी मिल गई। उम्मीद है उसी तरह तुम्हारे दोस्त को भी। अरे उसे क्या परेशानी है, आप है ना उसके साथ। मेरा मतलब है हम लोग कई दिनों से साथ में थे ना, इसलिए मेरे जाने से बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा तो हमें इजाजत दीजिए, बस पकड़ने के लिए हमें अभी निकलना होगा। ओके आनंद, बेस्ट ऑफ लक। उला हैप्पी जर्नी। अच्छा मैडम बाय। कुणाल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम इन लोगों को बस में बैठा कर जल्दी वापस आ जाना। आज हमारे मंदिर में पूजा हो रही है, मैं ही वहाँ का उद्घाटन करूँगा, तो सुबह आता हूँ। कुणाल संजीदा हो जाओ, मैंने कहा ना जरूरी बात करनी है तुमसे। आज मेरा सस्पेंशन ऑर्डर खत्म हो रहा है, कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हूँ। ड्यूटी? कोई जरूरत नहीं है, मंदिर यहाँ थोड़े ही फासले पर है, कितनी भी रात हो जाए मैं मिलकर ही जाऊँगा। ख्याल रखना। अरे तू वहां हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा है रहने के लिए, छोड़ ना। सुन भाई, तू और कैरोलिन अगर जल्दी से शादी कर लो। अरे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, चल वक्त हो गया, तू जाकर बस में बैठ जा। पकिया ठीक से जाना, ध्यान रखना अपना। चल 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 जा, एयरपोर्ट पहुंचते मुझे फोन कर देना। चल अपना ख्याल रखना। ओके बोला, बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही तुम लोग रशिया पहुंचो मुझे फोन कर देना। अच्छा पकिया, ओला से झगड़ा मत करना। नहीं करूंगा भाई। नमस्ते अम्मा। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ, बैठो गुरु। बैठी। नमस्ते। नमस्ते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
ए भाई जरा आवाज बढ़ाओ। सभी को नमस्कार। हर साल ये प्रोग्राम हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं, उसी तरह इस साल भी मनाएंगे। लेकिन इस मर्तबा एक कमी है, इनके पूज्य पिताजी हम सबके देवता समान श्याम भाई इस कुर्सी पर विराजमान नहीं है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनकी जगह उनके बेटे कुणाल जी हमारे दरमियान हाजिर हैं। और अब मैं उद्घाटन करने आए कुणाल भाई को दो लफ्ज कहने की गुजारिश करता हूं। लेकिन उससे पहले हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, ये शॉल स्वीकार करें। सब लोगों को नमस्कार। मेरे पिताजी की जगह पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्टेज पर खड़े होकर बोलने की जरा सी भी आदत नहीं है, लेकिन ऐसे काम के लिए मैं हमेशा साथ देता रहूंगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे लिए आपके दिल में जो इज्जत है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समारोह का उद्घाटन करने के लिए हम कुणाल भाई के शुक्रगुजार हैं। बाकी लोगों की तरफ से आई रकम इस प्रकार है। त्रिपाठी जी की तरफ से 1,000 रुपए, फौजी प्रताप सिंह की ओर से 7,000 रुपए, विजयनगर की सेठ की तरफ से 5,000 रुपए, करीम नगर की तरफ से सलीम भाई के 4,000 रुपए, उमर गांव की तरफ से 2,000 रुपए, अशोक जाई की तरफ से 5,000 रुपए, विजय भाई की तरफ से 3,000 रुपए और विजेंद्र भाई की तरफ से 1,500 रुपए। इन सभी मददगारों को संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। आइए आइए ना। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? आइए, ए ला दे लीजिए ना कुणाल भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें भी खिदमत का मौका दीजिए ना। आपके पिताजी तो इसे बड़े चाव से पिया करते थे। हाँ पी लीजिए। हाँ, ना ठीक है। हाँ ये लीजिए कुणाल भाई, बादाम खाइए खाइए खाइए, एक और पैक हो जाए। आप भी पीजिए। कैरो, पुलिस की नौकरी अब बहुत हो गई बेटा, अब तुम ये नौकरी छोड़ो और चुपचाप शादी कर लो। मुझे कुणाल बहुत अच्छा लड़का लगता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पति साबित होगा वो। मैं भी खड़ा हो गया, आखिर मैं भी खड़ा हो गया। पूरे शहर का दादा बनना है तो सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ी इज्जत भी चाहिए। ऊपर जाने के लिए नीचे वालों को जेब में रखना पड़ता है, आगे खड़े होने वाले को आईना साथ में रखना चाहिए, तभी तो पीछे से वार करने वाले का इल्म होगा। यही इस कारोबार का सुलूक है। ये सब कुछ देने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। तो आज के बाद शहर के सारे गुंडों को सिर्फ मेरा जलवा नजर आएगा। कुणाल, जब देखो गुंडों की तरह बातें करते रहते हो, कभी कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। क्यों मुझे इस तरह क्यों परेशान करते हो? जब लड़की सामने खड़ी होकर शर्माए तो समझो उसके दिल में मोहब्बत है। ऐसे ही तुम्हारी निगाहें बता रही हैं
कि तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत जाग उठी है। कैरोलिन, आज तुम बेहद खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम हुस्न की मलिका लग रही हो। तुम्हें आज तक मैं समझ क्यों नहीं पाया। आज तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे और सिर्फ मोहब्बत करोगे। तुम फिर से शराब क्यों पीने लगे? मत पियो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुणाल, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है कुणाल। बातों के लिए तो पूरी रात है, अभी तो जो करना है वो करने दो। कुणाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनो। तुम क्या कहोगी? मैं कहता हूँ, गलत काम करने पर ही आदमी सही जगह पर पहुँचता है। कैसे छोड़ दूँ इस कारोबार को? क्यों, प्रोग्राम एकदम बढ़िया हुआ ना? बहुत मेहनत की थी। ये मेरा ही प्रोग्राम था, मैंने भी बहुत कुछ किया है। चलो चलो, आओ जाओ जाओ। अब सरोजा के पास चल रही। कुणाल, कुणाल, तो ड्यूटी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया तुमने? तुम अपनी जगह से ना हिल पाने के लिए मजबूर हो और मैं अपनी जगह से ना हिल पाने पर मजबूर हूं। पहला मर्द जिसने मुझे परेशान किया वो तुम थे और आखिरी भी तुम ही होगे। अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। I'm sorry कुणाल। पुलिस की अक्ल कैसी होती है ये तुमने बहुत अच्छे से साबित कर दिया है।
क्या दोस्त, ऐसे क्यों भाग रहा है? मेरे साथ तू बार में ही मिलना चाहता है ना? हम यहाँ बस स्टैंड पर नहीं मिल सकते हैं क्या भाई? ओ भाई, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया। अगर नहीं बताया ना तो यहीं काट डालूंगा तुझे। वो पुलिस वाली है ना, उसी ने तुम्हारे जीजाजी और पिताजी को मरवा है। अब तू मुझे ये कौन सा नया फसाना सुना रहा है, जल्दी बता। उस नागपुर वाले की बात का मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब यकीन हो गया है मुझे। मेरे जीजा जी को और मेरे पिताजी को तूने ही मरवाया था। तेरी पुलिस गिर की वजह से मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। तेरे जैसा धोखेबाज नहीं हूं मैं, गलत आदमी हूं, लेकिन दिल में कोई गंदगी नहीं रखता। इस ड्रामा को अंजाम देने के लिए तूने मोहब्बत को बदनाम कर दिया। तू बोलती तो तेरी खातिर जान भी दे देता, लेकिन तूने मेरे खानदान को खत्म कर दिया। खुद पे भरोसा नहीं किया, लेकिन तुझ पर भरोसा किया। मुझ पर यकीन करो, मुझ पर यकीन करो, ये कहकर मेरी जिंदगी से खेलती रही तू। सब कहते थे पुलिस वाली पर यकीन ना कर, लेकिन तुझ में एक पुलिस वाली नहीं, हमेशा अपनी बीवी को देखा है मैंने। बात करनी है, बात करनी थी ना तुझे, लेकिन अब तो तू बगैर कुछ कही जा। अरे मैं जाऊंगा भाई के लिए। अरे मैं जान दे दूंगा भाई के लिए। मैं जाऊंगा भाई के लिए। अरे भाई की तो है, भाई के लिए क्या चीज है, कर सकते हैं। सूरज को छुपा कर रखना चाहते हो? तुम सब दीवाने हो गए हो? अरे हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमें दीवाना ना समझो। हाँ, बकरा काटने का कारोबार करते हो, लेकिन जरूरत पड़े तो इंसान को भी काट डालते हो। मैं कितना होशियार हूँ ना।